हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विभा माता जी आजकल चुपके चुपके आते हैं, फिर चुपके चले जाते हैं। क्यों हमारे सामने नहीं आते? आ रहे आ रहे, प्रभु जी खाना खिला रहे थे प्रभु जी को। बस हो गया, 1 मिनट और। हरे प्रभु जी क्या सो जाएंगे अभी कृष्ण ठंडे के दिन में? हाँ जी। प्रभु जी क्यों नहीं आते हैं आजकल? प्रभु जी को भी पकड़ के ले आना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे रामोहन प्रभु? मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया, आमी जेने सुने विष खाइने, मैं जान बुझ के विष पान किया। ठीक है, तो हम लोग विष पान कर रहे हैं कि नहीं, या हम अमृत पान कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं बताइए। रामोहन प्रभु जी क्या कर रहे हैं? हम लोग विष पान कर रहे हैं या अमृत पान कर रहे हैं, या दोनों पी रहे? अभी तो भागवतम सुन रहे हैं प्रभु। भागवतम सुन रहे हैं अमृत मतलब पान। पान कर रहे हैं, और भागवतम जब नहीं सुनते तब विष विष पान। पान। विष पान, हाँ। ये संसार जो है ना अच्छा जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विष ही विष है। कृष्ण को छोड़कर बाकी सब विष है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र कोई अच्छी चीज है इस संसार में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते। इस संसार में दिव्य ज्ञान या भगवत कथा से बढ़कर कोई अच्छी वस्तु है ही नहीं। আমাদের ঘর চলে আসবে না, কিছু পুরি আছে, সবজি আছে, অনেক ভালো ভালো আছে, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে ডিসকাস কর রহে থে বিষপান ওর অমৃত পান। देखिए ये चीज मैं बारंबार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि हमारे जहन में बैठ जाए। एक ही चीज में 10 बार, 50 बार, 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार, 20 बार, 22 बार क्यों रिपीट करता हूं कि अमृत पान कर रहे या विष पान करते? ये तो सभी जानते हैं, कृष्ण भक्त छोड़कर सभी विष है, लेकिन फिर भी क्यों बोलता हूं? ताकि वो हमारे आत्मा में बैठ जाए कि सच में भक्ति को छोड़कर हमारे जीवन में जो कुछ किया जा रहा है वो सब एक व्यर्थ का परिश्रम है, व्यर्थ का श्रम है। लेकिन क्या किया जाए जब व्यक्ति बाध्य, क्योंकि संसार में आना मतलब बाध्य होना, और बाध्यता बस न चाहते हो भी वो चीज करना। कौन चाहते कि मेटेरियल वर्ल्ड में रहे? कौन नहीं चाहते कि मायापुर धाम में रहे? कौन नहीं चाहते कि भगवान राधा माधव का दर्शन करे? लेकिन क्या करे, बाध्यवश जो किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। फिर भी जैसा मिला है, एक चीज हमेशा याद रखना है कि मान लीजिए जो व्यक्ति पाकिस्तान में है, भक्ति कर रहे हैं, हिंदू धर्म अपना है, उसका कितना कष्ट हो रहा है पाकिस्तान में जरा सोचिए। उस अवस्था में अगर हम रहते तो ना घर में कीर्तन कर पाते, ना नगर संकीर्तन ऊपर कर पाते, ना तिलक लगा पाते, ना कंठी माला पहन के घूम पाते, ना धोती पहन पाते। बांग्लादेश बाजार में जाते तो ब्रह्मचारीगण सूट पहन के जाते है ना, तो उस दृष्टिकोण से तो अच्छे है ना, चाहे बोकारो धाम हो या जो भी, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है,
भक्ति अपनी मर्जी से कर सकते जितना चाहे। इसीलिए सदैव हम लोग को ये चीज समझना है, हो सकता मायापुर धाम नहीं मिला, हो सकता जगन्नाथपुरी धाम नहीं मिला, हो सकता वृंदावन धाम नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला है कृष्ण कृपा से मुझे बहुत अच्छा मिला। भगवान को सर्वदा क्रेडिट देना है, क्योंकि जितना हम लोग भगवान को क्रेडिट देंगे ना, भगवान भी प्रेरित होते हैं। भगवान भगवान को भी मोटिवेशन मिलता है, भगवान भी अनमोटिवेटेड होते हैं। जैसे हमारा हृदय उसी प्रकार कृष्ण का भी हृदय है, ठीक है। भगवान का भी मोटिवेटेड होता है और हमारा भी होता है, तो इसीलिए सदैव हम लोग को ये स्मरण रखना है। एक सेकेंड आप लोग, जस्ट वन मिनट रुकिए, प्रभु जी का कॉल आया, इमरजेंसी कॉल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अमृतपान। तो हम लोगों को अमृतपान करने का सुयोग मिला है, यद्यपि आए हैं विषपान करने के लिए। इस जगत में आना मतलब विषपान करने आना। भगवान नहीं चाहते थे कि अपने धाम को छोड़कर यहाँ पर आए। भगवान श्री कृष्ण हम लोग को भेजे नहीं है, सदैव हम लोग को स्मरण रखना है। एक्चुअली हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आए हैं। अभी मैं डायरेक्ट विभा माता जी को बोलू, माता जी आप छोड़ के चले आइए मायापुर, तो क्या माता जी आ पाएंगे? मेरा प्रश्न है, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 100% आसक्त, देखिए आसक्ति जो है ना अनासक्ति में बदलता है धीरे धीरे। बच्चे के प्रति प्रेम, पति देव के प्रति प्रेम, माँ बाप के प्रति प्रेम, बोकारो जगह के प्रति प्रेम, वो एक दिन में नहीं छूटेगा, थोड़ा सा दिन लगता है। धीरे 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 थोड़ा दिन लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे ये जो जीवन है ना, ये जीवन में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हैबिट इज द सेकंड नेचर। ये जो हमारा आदत है, आदत एक अभ्यास मतलब स्वभाव बन जाता है। इसीलिए हम सबको अपनी आदत को, अपनी स्वभाव मतलब अभ्यास को ऐसे बनाना है ताकि वो नेचर में परिवर्तित हो जाए। एग्जाम्पल, आप रसुन प्याज नहीं खाते, तो नहीं खाते मतलब नहीं खाएंगे ना, तो वो स्वभाव बन जाएगा, कभी खाने को मन नहीं करेगा। ट्रेन में जाएंगे बोलेंगे अरे चलो अभी तो कुछ खाना नहीं है, रसुन प्याज दिया वाला IRCTC से भोजन में चलो खा लेते, क्यों? तो अभी विषय वस्तु है, जैसा आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास के द्वारा ही आपका वैसा स्वभाव बनेगा, नेचर बनेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो श्रीमद् भागवतम कथा, इसके प्रति रुचि को कभी भी कम नहीं करना है। रुचि एक बार अगर कम हो जाए ना, तो वो अभ्यास बन जाता है, वो एक स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगा। अरे ठीक है यूट्यूब में सुन लेंगे, क्या जरूरत है जूम में आने का। देखिए अभ्यास के कारण कितने लोग सब चले गए, 0 में 3-4 लोग है, ऐसा समय था 35-35, 40-40 लोग थे, ठीक है। अभी सब क्यों, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है? अभ्यास, आदत। आदत जो है ना स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। वह जो एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, वो आने को मन ही नहीं करेगा। लेकिन एक दिन ज्वाइन किए, फिर नहीं जो भी हो बाबा, जब सब जगह मैं अपना समय दे रहा हूँ, अपने दफ्तर में, ऑफिस में, काम में, कार्यालय में, खाना पीना में, स्नान करने में, धोती पहनने में, कपड़ा पहनने में, दोस्तों से मिलने में, जब सबको मैं समय दे रहा हूं, तो मैं सिर्फ भगवान को क्यों ना समय दूं, ठीक है।
तो इस प्रकार जब भगवान को जब हम लोग समय देते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने जाते हैं, जूम के माध्यम से श्रीमद् भागवत को कथा जब हम लोग सुनते हैं, तो ये जो अभ्यास है ना, जो एक नेचर बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। कुत्ते का स्वभाव क्या है, आप उसको डंडा मारो फिर वही पर आएगा, पत्थर मारो फिर भी वही पर आएगा। कुत्ता ये सोचता है, अरे तूने मुझे हट किया ना, कभी तुम्हारे द्वार में नहीं आऊंगा। कुत्ता कभी बोला है, तुमने मुझे आज ठोकर मारा ना, दिखा दूंगा एक दिन मैं तुमसे ज्यादा धनी व्यक्ति बनकर। कुत्ता कभी बोला है? कुत्ता कुत्ता है, उनका स्वभाव है वैसे ही, कुत्ता का स्वभाव चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार हमारी जो स्वभाव है, हमारी जो नेचर है, ये नेचर को अभी हम लोग मनुष्य है, तो मनुष्य हम मनुष्य है या पशु है इसका पता कैसे चलेगा? शास्त्र में कहा गया है धर्म न हीना पशु भी समान। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है वो व्यक्ति पशु है। हो सकता मनुष्य शरीर में है, जैसे संसद भवन के जो मुख्य चेयर है, कुर्सी है, प्रधानमंत्री के चेयर में अगर किसी भी व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो उसका भी चार दो हाथ दो पैर है, एक दो नाक एक मुख दो कान दो आंखें, लेकिन फिर भी क्या वो प्रधानमंत्री है? बैठने से क्या प्रधानमंत्री बन गया? नहीं, बैठने से ही प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। तो उसी प्रकार ये जो हम लोग मनुष्य शरीर में आए, दो पैर मिला दो हाथ मिला, पेट नाक कान सब कुछ आदि, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर मिल गया तो मतलब हम लोग मनुष्य बन गए। मनुष्य का एक क्वालिटी है, जैसे प्रधानमंत्री का विशेष कि हुई प्रधानमंत्री, हुई प्राइम मिनिस्टर, उनका क्वालिटी क्या है, पद क्या है, तो वो भारतीय संविधान वो चीज वर्णन किए। उसी प्रकार मनुष्य क्या है, व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग, तो उसका शास्त्र में संविधान महाभारत वैदिक साहित्य में उसका वर्णन है कि जिसके जीवन में धर्म है वो व्यक्ति मनुष्य है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो व्यक्ति पशु है, जानवर है। ठीक है, ये तथ्य को समझ रहा हम लोग। तो पॉइंट बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा रिटर्न आना है यहाँ पर क्या? यस, कि विदुर ने जो धृतराष्ट्र को बताया कि तुम अपना घर बार छोड़कर मेरे साथ चलो, कहाँ पर जाना है? अज्ञात स्थान में। अज्ञात स्थान में क्यों जाएंगे? क्योंकि अज्ञात स्थान अगर जाएंगे इन सबको छोड़कर, तभी तो आप आराम से भक्ति करेंगे। अभी बोलेंगे ए बाबू ए नाती दीक्षा, मैं जा रहा हूं भक्ति करने के लिए हरिद्वार। दीक्षा ना ना दादू, प्राण मोहन प्रभु जी आप मत जाइए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। दीक्षा अपना प्रेम लीला सुना रहे अपने नाना के प्रति, और प्राण मोहन बाय बाय मैं जा रहा हूं भक्ति करने के लिए। तो ऐसे कोई जा सकता है? जाने के लिए क्या करना होगा उसको? ठीक है, मैं थोड़ा राजरप्पा से घूम के आ रहा हूं, और राजरप्पा के बहाने चले गए हरिद्वार और आए ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है ना अज्ञात रूप से करना चाहिए। मेरा नाना जी बोलते थे गुप्ते लाभ प्रकाशे हानि। कोई भी चीज अगर सेक्रेटली करेंगे ना, गुप्त रूप से करेंगे तो उसमें लाभ होगा, और अगर उसको प्रकाश कर देंगे तो हानि। एग्जाम्पल, आप एक बहुत बड़ा मॉल जो होता है ना, दुकानदारी सब कुछ, एक मॉल खोलने का प्लान है। ठीक है, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, तो आप पहले ही पूरे गांव वालों को बता दिया एक मॉल खोलने से क्या रहेगा। एक भिखारी को पूछ रहे, अच्छा बताइए तो आपका क्या राय है, अगर मैं एक मॉल खोलू कैसा रहेगा? तो वो क्या राय देंगे उसको? मेरा बेटा कल से बुखार से तड़प रहा है, अब दोनों बाबा 5,000, वो अपना दुख वेदना सुना देंगे। एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको बोलेंगे अच्छा अगर मैं एक मॉल खोलू कैसा रहेगा?
तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, अरे दुनिया में इतने सारे लोग मर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल खोलिए ना, मेरा भी थोड़ा कुछ कमाई घमाई होगा। क्योंकि डॉक्टर होने से क्या है, जब तक हॉस्पिटल नहीं रहेगा, फैसिलिटी नहीं रहेंगे, बेड लेटने का, तो आपका ओटी करने का, ऑपरेशन थिएटर लाइक दैट, उसके लिए हॉस्पिटल जरूरी है। वो क्या बोलेगा, एक हॉस्पिटल खोल। एक गांव के एक बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी मतलब दो तरह के होते हैं, इस्कॉन डिवोटी अलग है, जो फकीर उनकी बात कर रहे हैं, उनके पास जाके बोलेंगे अच्छा एक मॉल खोलेंगे, क्या प्लान है, मतलब क्या राय है आपका, आप थोड़ा बता सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या जवाब देंगे, कुछ नहीं लेके आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, क्या ये सब समय का टाइम का पास कर, छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। तो अगर वो व्यक्ति दूसरे का राय लेना शुरू करे ना, वो जीवन में सफल नहीं है। उसको क्या करना होगा, जो बुद्धि माइंड सेटअप उनके दिमाग में आया है, गुप्त रूप से उनको काम चालू कर देना है, बड़ा बिल्डिंग बना देना है, फिर सामान लाना है, दुकानदारी ऐसे करके, तो गुप्ते लाभ प्रकाश से हानि, गुप्त रूप से अगर करेंगे तो लाभ मिलेगा, और अगर डिस्प्ले कर देंगे संसार के लोगों के सामने प्रकट करेंगे तो आपको बाधाएं खड़ी करेंगे, क्योंकि संसार के लोग अच्छे नहीं है ना, क्योंकि सभी एक दूसरे को देख के जलते हैं। आपको क्या लगता है, साधु साधु में ऐसा होता है, भक्त भक्त में ऐसा होता है कि बाबा रे कितना बड़ा प्रवचन व्यासासन में बैठे, साधु साधु में है, डॉक्टर डॉक्टर में है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल में है, ईर्षा ईर्षा, देखिए ईर्षा जो है ना अपने लेवल के ही होते हैं, कहने का मतलब आप टाटा स्टील प्लांट के मैनेजर है और एक टाटा स्टील प्लांट के चेयरमैन, तो मैनेजर चेयरमैन से ईर्षा करते हैं, क्यों, एक उसी कंपनी के, वो अमिताभ बच्चन से ईर्षा नहीं करेगा, वो मैनेजर देखो तो कितना सुंदर मूवी बना रहे, अमिताभ बच्चन को से ईर्षा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उस फील्ड में नहीं है, उसके साथ वो टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन इसके साथ टक्कर ले सकता, इसीलिए वो ईर्षा कर रहा है। तो ईर्षा जो है ना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो साधु हो, शुद्ध भक्त की बात अलग है, मैं शुद्ध भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, शुद्ध भक्त तो एकदम सर्वोपरि होता है। राधा रानी जब जाते थे, राधा रानी कृष्ण को माला पहनाते थे लाइक दैट, तो राधा रानी बोलते थे कृष्ण को, काश में भी ललिता सखी की तरह पहना पाती, सच में बाकी गोपियां कितनी सुंदर आपकी सेवा करते हैं, मैं ही नहीं कर पाती। तो ये कोई नाटक नहीं करते राधा रानी, उनके हृदय का फील है, वो दूसरों को अच्छा देखते हैं, खुद को कमजोर मानते हैं कि मैं नहीं कर पा रही। तो ये शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, उसका लक्षण इस तरह है, प्रभु जी इतना दिन बाद आए, आज बोले गर्मी का दिन है, सोने जा रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो गर्मी कैसा है बोकारो में, गर्मी तो अच्छा हो गया है। अच्छा इस समय सोते नहीं तो, नहीं तो, अच्छा अच्छा ठीक है गर्मी के दिन अगर इस समय अगर सोएंगे तब तो, माता जी थोड़ा सो रहे, उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, अभी भी है, माता जी का सबसे बड़ा जीवन में दुख है उनका माइग्रेन, कष्ट होते है माइग्रेन का प्रॉब्लम, लेकिन क्या किया जाए। तो हम लोग और एक श्लोक को पाठ करते हैं, विदुर आगे क्या बता रहे जानते हैं, ठीक है, जसा कत्पर तो बेह जातर निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्ता हरिंगे हाथ प्रवचित सनरोत्तम। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है,
और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य। देखिए विदुर का लेक्चर देखिए प्रवचन कि अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाते हैं और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य। देखिए इतना दिन हम लोग जानते कि कौन व्यक्ति अच्छा है, क्रिकेटर अच्छा है या फिल्म स्टार अच्छा है, तो उत्तम कोटि के मनुष्य ये है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः आश्रित होता है और खुद के समझने में और शास्त्र जो समझा रहे इसके द्वारा हम लोग जाग जाते, नहीं बाबा मुझे अभी ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे अभी ये करना। जैसे प्रमोद प्रभु मैं जब बोल रहा हूं तो जाग जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि क्या प्रभु जी जूम क्लास में बैठ मेरे पास, ऐसा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जाग जाते हैं खुद के समझने में और दूसरों को समझाने में। तो उत्तम कोटि का मनुष्य का उदाहरण दिया गया, उत्तम कोटि का मनुष्य वो है जो खुद के समझाने में और दूसरा व्यक्ति जो उसको ज्ञान दे उसको जो समझ जाता है वही होता है उत्तम कोटि का मनुष्य। घर त्यागना, देखिए घर त्यागना शब्द हमारे लिए नहीं है। घर हम लोग तभी त्याग सकते जब प्रतिकूल परिवेश आए। मान लीजिए आप, आपके लिए अपना एक गैस है, आप उसमें लहसुन प्याज नहीं ऐसे आलू वस्तु निरामिष रन्ना कर रहे हैं और बाकी घर वाले पांच मेंबर, टोटल छह मेंबर, छह सदस्य घर में, एक सदस्य है निरामिष बाकी छह सदस्य मछली खाने वाले, मछली मुर्गा अंडा ये सब खा रहे हैं। अभी आप क्या किए, आप अपना रसोई किया, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाए, आपका पेट खराब हो गया, आप चले गए बाथरूम, सब कुछ रेडी है, खाना व्यवस्था दाल सब्जी राइस सब कुछ बना के आप रखे, ठीक है, ध्यान से सुनना है, और आपका पेट खराब है, आप चले गए बाथरूम स्नान करने के लिए, स्नान करके आते आते देखा खाने के लिए बैठा तो दाल के अंदर निकल रहा है मुर्गी का हड्डी, तो उस समय उस घर को त्याग देना है, क्योंकि पता चल रहा है कि एक तो वो लोग पसंद नहीं है आपके साधु बनने का, आपके भक्ति बनने का उनका कोई इच्छा नहीं है, और आप जो तपस्या करके खुद व्यतीत कर रहे अपने लाइफ को कृष्ण भक्ति में, आप थोड़ा सा साइड हो गए और घर की बोमा या कोई मुर्गी का हड्डी या अंडा आपके सब्जी में आपके दाल में डाल दिया, तो ऐसे परिवेश में घर को त्यागना चाहिए। ऐसे परिवेश में घर को त्यागना चाहिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है। ऐसा नहीं विभा माता जी बोले कि नहीं प्रभु जी पति देव तो ये तो मेरा असली पति नहीं है, मेरा पति तो कृष्ण है इसलिए मैं प्रमोद प्रभु जी को त्याग रहा हूं, दिस इज नॉट ए गुड बिजनेस। प्रमोद प्रभु नहीं प्रभु जी नारी माया होते हैं, विभा माता जी है मेरी पत्नी लेकिन वो माया है, मुझे कृष्ण भक्ति करना है, ये सब माया ये भूमिका ये सब प्रकाश मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति करना है कृष्ण भक्ति करना है, ऐसे करके घर त्याग दिया, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का फिलोसॉफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, भक्ति का परिभाषा है प्रैक्टिकल व्यवहारिक, कोई इमोशनल नहीं है, भावमय नहीं है, ठीक है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो विदुर जो बोला धृतराष्ट्र के बारे में, जो बुद्धिमान मनुष्य जो घर को त्याग देता है वो उस तरह, तो आगे श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता, दूसरा सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है, तथा तीसरा निष्ठावान भगवत भक्त जो सर्वं तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है, हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद
सन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। तो जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं, वो भले ही घर के परे गहन अंधकार जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि वो अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतवे मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का सर्वं तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करें। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे। प्रभु जी ये जो आपका जूम क्लास बंद हो जाएगा जिसके कारण आप बोल रहे हैं, यहां तो डायरेक्ट विदुर बोल रहे कि घर त्याग देना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ देवदास प्रभु आप तो हम लोगों को घर में रहने के लिए बोल रहे हैं। आप मुझे पता चला आपका पॉइंट क्या है, आप चाहते कि जूम क्लास चलता रहे डोनेशन आता रहे, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद क्या बोल रहे वो देखिए। प्रभुपाद क्या बोल रहे शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण मतलब भागवत श्रवण अर्थात जूम क्लास में भागवत कथा तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही अभ्यास करे, वन में न जाए और अभ्यास उसके निष्ठा के अनुसार उसमें चिस्सर चेतना जगाने में सहायता करता। तो देखिए हमारे आचार्य जो है ना वो प्रैक्टिकल है, उनको पता है कि कोई बोल रहा है धृतराष्ट्र को घर जाने के लिए बोल रहा, प्रभुपाद ऐसे लिखा कि हम लोग को घर में रहने के लिए, हम लोग को घर में रहने के लिए यही कि वन में जाएंगे तो क्या करेंगे आप, वन भालू की तरह वन में जाके क्या करेंगे। प्राचीन काल के ऋषि मुनि वन में रह के तपस्या करके फल मूल कंद मूल खा के रहते थे। हमारा एक दिन का निर्जला एकादशी या पांच दिन का पांडवा क्या बोलते भीष्म पंचक सिर्फ फल खा के जीवन माथा खराब हो जाता है, अरे कब मिलेगा दाल भात, कब मिलेगा रोटी सब्जी, ऐसा प्रॉब्लम होता है। वो सारा जीवन भर वन में रहना ये संभव है? प्रमोद प्रभु जी मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आपका वेतन है अभी 25,000 एक एग्जांपल या 20,000, तो अभी आपके कंपनी बोला कि आपको फल खा के रहना है, आपका वेतन 65,000 करके देंगे हर महीना, बताइए आप रिप्लाई में रिप्लाई कीजिए क्या जवाब देंगे। प्रभु जी आपका जो कंपनी है अर्थात जो बैंक है वो आपको बोल रहे, मान लीजिए आपका अभी वेतन है हर महीना आपका वेतन है 20,000 या 25,000 ठीक है, एक एग्जांपल। अभी आपके कंपनी आपको बोला आपको सिर्फ फल खा के रहना है, कोई राइस दाल सब्जी नहीं, हर महीना 75,000 करके देंगे, फल खा सकते हैं? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ दिन रात सिर्फ फल खा के रहना है, और जो 20,000 आपको वेतन मिलता था वो 20,000 ने आपको 75,000 करके हर महीना देंगे, आप क्या करेंगे बताइए? राइस तो जरूरी है प्रभु जी। मतलब चावल खाना है, रोटी खाना है, 75,000 खाइए ना खाए रोटी सब ये खाना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मना किए है कि व्यक्ति को घर परिवार नहीं छोड़ना है, क्योंकि घर परिवार छोड़ेंगे तो वन में कौन उसके लिए कुकिंग करेंगे, कौन ले जाएगा इंडियन गैस, कौन ले जाएंगे उनके लिए आपका कढ़ाई ये सब कौन बना देंगे पका हुआ भजन ऑटोमेटिक, लक्ष्मी देवी तो आएंगे नहीं ध्रुव महाराज की तरह हाथ से सृष्टि करके उसको पूरा राजभोग का प्लेट दे, या आजकल के वन में तो नंदिनी गाय नहीं है कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पूरा एकदम राजभोग का प्लेट निकले, वन में जाने से भी इसीलिए वन में जाना मना है कलयुग में, क्योंकि प्रभु जी को 75,000 मिल रहा 20,000 के वेतन से लेकर 75,000 बट स्टिल बोर्ड की राइस खाना जरूरी है, इसका मतलब
हम लोग बाहर की जिंदगी नहीं जी सकते, इसलिए घर में रह के भक्ति करने का परामर्श दिया गया। तो आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भक्ति का लाभ चाहता है वो कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, नहीं उन लोगों को जो इस तरह के भैतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कोई निर्देश देते। ऐसे भैतिकतावादी भक्तों को भगवान भैतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि ऊपर बताया गया, विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक है। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भगवत भक्त है, और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 26 और 27। क्या सुने, क्या क्या हम लोग श्रवण किए? कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो घर परिवार छोड़ के किसी सुदूर स्थान को चले जाए। दूसरा, कि उत्तम कोटि के मनुष्य वो होते हैं जो अपने जीवन में धर्म को अपनाते, अर्थात मनुष्य जीवन, हम मनुष्य है या पशु है इसका पता कैसे चलेगा? धर्म के, ठीक है। तो चलिए दो श्लोक 26-27 दो श्लोक के ऊपर हम लोग पाठ किए। हमारे पास समय है 6 मिनट। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरा वाला पॉइंट थोड़ा निकालिए ना, इसी श्लोक का दूसरा पॉइंट। पॉइंट मतलब तात्पर्य में? जी जी, तात्पर्य क्या? सन्यासी, ओ सन्यासी जो हताश भावना के कारण, मतलब तीन तरह के व्यक्ति होता है अध्यात्मवादी जो है ना, तीन तरह होते हैं। एक होता तो हताश भावना क्या है? सन्यासी जो हताश भावना के कारण, हताश भावना मतलब? हताश भावना मतलब एक एक भक्त सन्यासी होता है, और एक होता है जो हरिद्वार के वो जो नदी के किनारे गांजा पी के रहने वाला। हताश मतलब वो घर में कुछ कमाई धमाई है नहीं, कुछ कमाई धमाई है नहीं, और खाएंगे क्या, तो चलो साधु बन जाते हैं, हताशा। तो इस तरह का सन्यासी को वहां पर कहा गया, ठीक है। जो भक्त होता है, भक्त तो सन्यासी रहे या न रहे कोई मैटर नहीं करता, अगर वो कृष्ण भजन करता तो सबसे बेस्ट है। तो यहीं पर, यहाँ पर जो तीन चीज का उल्लेख किया है प्रभुपाद, अध्यात्म के तीन शरीरों में मतलब धीर अर्थात जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित है, दूसरा सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। विरक्त जीवन बताता क्योंकि पता नहीं बाबा शादी करेंगे कैसे मेंटेन करूंगा अपने परिवार को, हताश भावना कॉन्शियसनेस, इसलिए विरक्त अकेला जीवन व्यतीत करता। लेकिन जो तीसरा होता है, जो निष्ठावान भगवत भक्त जो सर्वं तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना को जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग देता है या गृह को, जैसे सिर्फ एक सेकंड, गृहों को त्याग देना, मैं जो एग्जांपल दिया ना, गृहों को हर किसी को त्यागना नहीं होता है। अगर गृह में उस तरह का परिवेश हो, दाल में मीट मिला देना, मछली का जू ये मिला देना, तब गृहों को त्यागना, अन्यथा गृह त्यागने का जरूरत नहीं। घर में रह के ही भक्ति करना भगवान के प्रति पूर्ण आश्रित होकर, ठीक है। तो हताश भावना मतलब समझ गए जी। कुछ कुछ लोग साधु बनते हैं क्यों? चलो बाबा भरपेट मिलेगा तो हरिद्वार में वृंदावन में, चलो छोड़ दो तो। और कोई कोई, अरे नहीं, मैं जहां पर भी हूं मुझे भक्ति को इम्पोर्टेंट देना है, कृष्ण भक्ति करना है। बहुत सारे गृहस्थ भक्त है, सुदामा का घर परिवार पत्नी को छोड़ दिया, नहीं बाबा मुझे परिवार मेंटेन नहीं हो रहा, चलो मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। सुदामा ऐसा किया नहीं, इसीलिए तो भक्त है,
तो जो भक्त होता है वो आदर्श होता है, वो अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, भगवान जो करे। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? और प्रभु जी ये वर्ण संकर्षण क्या होता है? वर्ण संकर्षण मतलब जैसे मान लीजिए आजकल की जो लड़की है, पहले वैदिक काल में लड़की जो है माता पिता के संरक्षण में रहते थे, और आजकल के लड़की क्या, अभी आपके मन में प्रश्न हो सकता प्रभु जी भूमिका भी तो हमारे संरक्षण में, एक एग्जांपल दे, मेरी बेटी तो मेरे संरक्षण में है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ठीक है आपके संरक्षण में है, जब वो बड़ी हो जाएगी, जब वो कॉलेज में पढ़ेगी, जब वो हॉस्टल में रहेगी, तो क्या आप सीसीटीवी कैमरा उनके पीछे में लगा के रखे हैं क्या, वो क्या कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड से मिल रहे हैं या कहाँ पर गर्लफ्रेंड बनाए हैं, बॉयफ्रेंड मिला है या मॉल चले जा रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, यू नो नो। तो वर्ण संकर कहाँ से सृष्टि हो रहा है, मान लीजिए किसी कारण, बस मैं उनका उदाहरण नहीं दे रहा, जो वर्तमान में जो संसार में चल रहा है, माता पिता रहते अपने घर में, बच्ची पढ़ाई करने जाते हैं दूसरे जगह, वहां पे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का शिकार हो जाते हैं, एक दूसरे का संबंध बनता है, बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक, तो वो अभी बच्चा को क्या करेंगे, वो बच्चा बन जाता है वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब हिप्पी, बिन माता पिता के संतान। संस्कार के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है वो संस्कारी बनता है, और वर्ण संकर मतलब माता पिता का कोई ठोक ठिकाना नहीं है, माता पिता थोड़ी चाहते थे कि बच्चा पैदा हो और कृष्ण भक्त बने, वो तो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, इंद्रिय तृप्ति किया, बच्चे का जन्म हुआ। हरे कृष्ण धर्म पालक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक खुशखबरी है, मैं बक्सर में हूँ और यहाँ पे एक अपना इस्कॉन का सेंटर बन रहा है, मैं वहीं पे आया हूँ, काम हो रहा है। ओ इस्कॉन सेंटर, अच्छा ये जो आप पीछे जो बना रहे। हाँ हाँ बहुत सुंदर, तो अभी यहीं पे काम चल रहा है, हम लोग यहीं पे हैं। अति सुंदर, ठीक है, ए, खोल लो, दो मिनट समय है, दो मिनट भाई, भूमिका क्या प्रश्न है बताओ प्रभु जी, तब क्या मैं हॉस्टल ना जाऊं? यही क्वेश्चन है, ठीक है, उसका मैं पर्सनली बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं, पूरा गाइड दे दूंगा, ऐसा गाइड दे दूंगा ना, लक्ष्मण बाण की तरह पत्थर की लकीर रहेगा, सीता जब तक न चाहे तब तक रावण उसको छू नहीं सकता, ऐसा आपको मैं लक्ष्मण रेखा खींच दूंगा, ठीक है भूमिका, समझ गए, जब तक सीता खुद न चाहे, जब तक भूमिका खुद न चाहे, तब तक रावण उसको अटैक नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, इस तरह गाइड बना देंगे, इस तरह लक्ष्मण रेखा खींच देंगे, लेकिन अगर कुछ अगर खुद हाँ ठीक है हम मुझे अभिशाप दे देंगे सीता देवी को, चलो बाबा लो भिक्षा ले लो, अगर ऐसे प्रेम जाल में ऐसे इमोशन में अगर पड़ गए तब तो गया काम से या गई काम से, इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए वो सिखा दूंगा, ठीक है, अभी तो ये क्लास यूट्यूब में जाएगा इसीलिए वो चीज भागवतम में ही सीमित रहते। चलिए हम लोग वांछा कल पत्र करते हैं, समय सीमा हमारा समाप्त हुआ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, इस्कॉन बालिया की बालिया बक्सर बक्सर, ओ अच्छा, जहाँ विश्वामित्र मुनि मारिच बध किए थे
जग की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को लेके गए थे। अच्छा, तब तो ये जगह को जाना होगा। प्रभु जी गोलंबर से 3 किलोमीटर है। कहाँ से? गोलंबर से 3 किलोमीटर है, आरा वाले रोड में। अच्छा, चलिए आरा और एक जो पटना का